गुड मॉर्निंग गाइज, मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से सीसीए के यानी कि सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे या जिसके बारे में जानेंगे, डैट टॉपिक नेम इज नोट पैड। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज नोट पैड। तो कहता है नोट पैड इज ए प्रोग्राम डैट अलाउ अस टू क्रिएट, यानी कि क्रिएट करना, बनाना, एडिट, एडिट करना यानी कि जो पहले से बना हुआ है उसमें कुछ सुधार करना, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो उसको सही करना, या कुछ नया जोड़ना चाहते हैं तो वो नया जोड़ना, या कुछ हटाना चाहते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिट। क्रिएट का मतलब कि नए तरीके से फ्रेश तैयार करना। एंड प्रिंट द, प्रिंट का मतलब सब लोग जानते हैं, हम लोग प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं कोई भी चीज़, जैसे ये अभी जो दिख रहा है इसका हम लोग प्रिंट निकालना चाहे तो प्रिंटर के थ्रू निकाल सकते हैं। तो कहता है एंड प्रिंट द टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट। टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स कहने से यहाँ पर मतलब है टेक्स्ट से मतलब है कि देखिए ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट है, इसमें कहीं पे भी कोई ग्राफिक्स नहीं है, कोई लेबल नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई टेबल नहीं है। सो डैट ऐसे जो रिटन टेक्स्ट होते हैं तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो केवल टेक्स्ट को कंटेन कर सकता है, दोज डॉक्यूमेंट्स आर टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स। फिर आए कहता है द एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड फाइल इज TXT, यानी कि नोट पैड फाइल को जब हम लोग सेव करते हैं तो वो TXT एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे क्या कहता है, वी नाइदर इंसर्ट इमेज, इमेज का मतलब फोटो, इन टू ए नोट पैड फाइल नॉर क्रिएट ए टेबल, यानी कि नोट पैड में ना ही कोई हम इमेज इंसर्ट करा सकते हैं और ना ही कोई हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल करने का मतलब जैसे अभी मैं एक आपको टेबल बना करके दिखाता हूँ, देखिए जैसे ये एक टेबल है तो इस तरह का टेबल हम लोग नोट पैड में नहीं बना सकते हैं और ना ही इसमें कुछ पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने का मतलब जैसे देखिए इसको मैं अभी कट कर देता हूँ, जैसे मैं अभी अपने कंप्यूटर के लोकेशन में कंप्यूटर को ओपन किया और यहाँ पिक्चर में जाता हूँ तो सिंपल पिक्चर में कई सारे पिक्चर्स है। अब जैसे ये पेंगुइन्स है तो पेंगुइन्स का पिक्चर मैं देखिए अभी मैं इसमें इंसर्ट करा दूँगा। तो ये अभी फ़िलहाल जो हमारा खुला हुआ है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है, तो वर्ड में वी कैन इंसर्ट द इमेज एंड एज वेल एज वी कैन क्रिएट टेबल, जैसे मैंने पहले अभी क्रिएट किया था, लेकिन नोटपैड में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब आता है कि हाउ टू ओपन नोटपैड, नोटपैड को कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें थ्रू कीबोर्ड, कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं, तो कहता है प्रेस विन प्लस आर। अब ये विन क्या होता है बहुत लोग नहीं जानते ये होइएगा, तो चलिए मैं विन बटन आपको दिखा देता हूँ कि आपके कीबोर्ड में विन बटन कौन सा होता है। एक सेकेंड अभी दिखाता हूँ, हाँ ये देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो गया है, खुल रहा है। देखिए ये जो बटन है ये कंट्रोल के बगल में जो ये बटन है ये अभी दिख रहा होगा, कर्सर को ध्यान से देखिए, दिस बटन इज ए विंडो, तो विंडो और आर इन दोनों बटन को एक साथ दबाना है, मतलब एक साथ कहने का मतलब कि जरा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा भी आगे पीछे आप करेंगे तो देखिए ये स्टार्ट खुल जाएगा, है ना। तो इसको और इसको दोनों को आपके अंगूठे और फोर फिंगर जो दो उंगलियों का इस्तेमाल करके एक साथ दबाना है। इसके दबाने से क्या होगा, जैसे देखिए अभी मैं दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ विन प्लस आर, तो इससे क्या होगा रन विजार्ड ओपन, रन विजार्ड ओपन होगा अंडर रन विजार्ड क्लिक, इसके अंदर क्लिक कर देना है, जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसे बैक स्पेस से आप क्या कर दीजिए हटा दीजिए। तो बैक स्पेस कहाँ मिलेगा, तो देखिए एक सेकेंड मैं अभी बैक स्पेस भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैं फिर से विंडो आर प्रेस कर रहा हूँ, विंडो आर प्रेस किया, इसमें अभी फिलहाल CMD लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये रहा आपका बैक स्पेस बटन, देखिए BKS, तो इसको क्लिक करने से ये हट जाएगा। और क्या टाइप करना है, तो टाइप नोट पैड, तो मैं यहीं से टाइप कर देता हूँ NOTEPAD, है ना, नोट पैड टाइप करना। उसके बाद क्या कहता है प्रेस इंटर की, तो मैं आपको दिखाने के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कर रहा हूँ, दिस वन इज द इंटर की, इसको हम प्रेस करते हैं तो हमारा नोट पैड ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नोट पैड में काम कर सकते हैं।
अब फर्दर आगे देखिए क्या कहता है कि थ्रू माउस, माउस से कैसे करना है। तो देखिए फिलहाल हमारा नोटपैड खुला हुआ है, इसे मैं क्लोज कर दूं दोनों नोटपैड को। और चलिए की माउस से कैसे करेंगे, तो कहता है क्लिक ऑन स्टार्ट लेबल्ड इन लेफ्ट बॉटम कॉर्नर। लेफ्ट बॉटम यानी लेफ्ट साइड ये है और बॉटम कॉर्नर ये है, तो दिस वन इज द स्टार्ट बटन है, तो इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है, तो ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, तो ये रहा ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक कर दिया मैं। फिर कहाँ जाना है, एसओ सीरीज में जाना है, तो एसओ सीरीज देखिए ऊपर से जब आप खोजेंगे तो ये अल्फाबेटिकल ही होता है, तो फिलहाल यहाँ पर AAC आ गया, तो दिस वन ये जो है एप्लीकेशंस है, तो हमें एसओ सीरीज फोल्डर में जाना है, तो ये रहा एसओ सीरीज फोल्डर, यहाँ पे जाइए और इसके अंदर नोटपैड, तो फिर ये अल्फाबेटिकली अरेंज होता है, तो यहाँ पर देखिए ये नोटपैड है, नोटपैड को लोकेट करना है और इस पर क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से माउस से भी हम लोग नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब कहता है हाउ टू राइट इन नोटपैड, तो कहता है आफ्टर, देखिए यहाँ पे देखिए क्या कहता है, आफ्टर ओपनिंग द नोटपैड, नोटपैड को खुलने के बाद जस्ट क्लिक इनसाइड इट, यानी कि यदि मैं नोटपैड खोलता हूँ, चलिए अभी मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट से ही खोल लेता हूँ, यहाँ से भी खोल सकते हैं क्योंकि इसके साथ मैंने पिन कर रखा है, चलिए मैंने जो बताया उसी तरीके से खोलता हूँ, एसओ सीरीज के अंदर नोटपैड यहाँ से खोल लिया। तो खोलने के बाद क्या करना है, इसमें जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है, इसे मैं थोड़ा साइज छोटा कर दूँ ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। हाँ अब देखिए क्या कहता है, जस्ट अब देखिए यहाँ पे अगर क्लिक है तो हम कुछ नहीं लिख पाएंगे उसके अंदर, नोटपैड तो है ही नहीं, है ना। तो करना क्या है, तो करना यह है कि नोटपैड को ऐसे मैक्सिमाइज करना, इसके अंदर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद स्टार्ट टाइपिंग थ्रू कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप टाइपिंग कर लीजिए, कुछ भी जो भी चीज़ टाइप करना है वो टाइप करते जाइए, ठीक है। और टाइप करने के बाद क्या कहता है कि किसी भी टाइम पे टू गो इनटू न्यू लाइन, यदि हमें नए लाइन में जाना है, यानी कि इसके ठीक नीचे वाले लाइन में यदि हमें जाना है, देखिए ये एक ही लाइन में चलते चला जा रहा है, नेक्स्ट लाइन में हम आना चाहते हैं, तो कहता है कि प्रेस इंटर की एनीवेयर, मतलब पूरे टेक्स्ट में कहीं भी यदि इंटर की हम दबा देते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं, तो हम नए लाइन में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे है, अभी कर्सर हमारा यहाँ है और यहाँ पे मैं इंटर की दबाता हूँ तो ये न्यू लाइन में चला गया, फिर यहाँ कर्सर है फिर इंटर दबाया तो न्यू लाइन में चला गया, है ना। फिर यहाँ पर जैसे डी के जे के बाद है हमारा कर्सर, कर्सर ये माउस से हम यहाँ पर क्लिक करके कर्सर को ला सकते हैं और इंटर दबाते हैं तो न्यू लाइन में ये चला गया, है ना। इसके एंड में है, अब यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा तो ये टाइप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं इंटर की प्रेस किया, अभी मैं प्रेस किया तो ये न्यू लाइन में मैं चला आया, तो कहीं पे भी इस तरीके से हम न्यू लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है, हाउ फॉर्मेटेड द नोट पैड टेक्स्ट, यानी नोट पैड में जो कुछ भी हम लिखते हैं उसको कैसे फॉर्मेटेड कर सकते हैं, जैसे उसका फॉन्ट का साइज या फॉन्ट का स्टाइल बोल्ड है इटैलिक एक्सेट्रा, ये सब हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है, आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट इनटू नोट पैड जस्ट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू फॉर्मेट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए स्टेप्स फॉलो करना है। क्या कहता है, क्लिक ऑन फॉर्मेट मेन्यू बार, जैसे देखिए इसके अंदर जो है मैं अभी लिखता हूँ माई, नहीं ऐसे नहीं, मैं लिखता हूँ name MOHN मोहन कुमार, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ एंड माई डिस्ट्रिक्ट DISTRICT डिस्ट्रिक्ट हमारा सीतामढ़ी एंड माई स्टेट नेम इज बिहार BIHAR बिहार। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है कि क्या कहता है कि कैसे फॉर्मेट करना है, तो क्लिक ऑन फॉर्मेट मेन्यू बार, देखिए यहाँ पे ये मेन्यू बार है फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू और हेल्प, ये आपको दिख रहा होगा, तो इसके अंदर जो है किस पे फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाना है, तो देखिए अंडर दिस यानी फॉर्मेट के अंदर क्लिक ऑन फॉन्ट ऑप्शन ए फॉन्ट विजार्ड इज ओपन, तो फॉन्ट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं तो ये फॉन्ट विजार्ड ओपन हो गया। और जब ये फॉन्ट विजार्ड ओपन हो गया तो क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो कहता है फ्रॉम हेयर वी कैन ईजी चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल यानी कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन एंड फॉन्ट साइज, यानी तीन चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो वो तीन चीज़ें क्या है, जैसे ये देखिए ये
इसका सैंपल यहाँ पे दिखाता है कि ये टेक्स्ट आपका कैसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये मैंने चूज किया तो देखिए चेंज हो गया, इटैलिक और बोल्ड किया, तो बोल्ड का मतलब भड़कीला भड़काऊ यानी डार्कनेस ज़्यादा हो जाएगा, मोटा मोटा हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। और इटैलिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जैसे तिरछा टाइप से, जैसे ये देखिए ये थोड़ा सा एंगुलर मोड में लिखा गया है, दिस वन इज द इटैलिक, ये भी इटैलिक मोड है और ये बोल्ड है, लेकिन ये बोल्ड नहीं है, देखिए यहाँ तक बोल्ड नहीं है, लेकिन फॉन्ट किस में लिखा हुआ है, बोल्ड में बोल्ड किया हुआ है, फॉन्ट स्टाइल को भी मैंने बोल्ड किया हुआ है। तो हर टेक्स्ट के साथ अलग अलग ऑप्शन आता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए ये ल्यूसिडा कंसोल है, तो इसको हम लोग बोल्ड कर सकते हैं और ओके किए तो देखिए ये चेंज हो गया ना स्टाइल। फिर और स्टाइल इसका हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें नीचे आ जाइए, बहुत सारा है, जैसे ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा कर्सिव है और इसको ओके किया तो सारा इस स्टाइल में हो गया। अब इसका यहाँ पर एक चीज़ और है, साइज, तो साइज भी इस जगह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, देखिए ये साइज बड़ा हो गया है ना। और वापस चाहते हैं फिर फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, तो इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप उसमें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नोटपैड के टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब कहता है हाउ टू सेव नोटपैड फाइल, नोटपैड फाइल को कैसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए कहता है कि प्रेस कंट्रोल प्लस एस, तो ध्यान से इस कीबोर्ड में देखिएगा, मैं कंट्रोल और एस ये दोनों ब्लिंक होगा, अभी मैं कंट्रोल और एस को दबाता हूँ, अभी कंट्रोल प्रेस कर दिया है तो देखिए दोनों वाइट हो गया है। अब मैं एस को प्रिंट करूँगा, तो देखिए एस को प्रिंट किया तो ये क्या हुआ, एस को प्रिंट करने से, कंट्रोल एस को प्रेस करने से क्या हुआ, तो एक सेकेंड नीचे मैं जरा आ जाऊँ, हाँ देखिए कंट्रोल एस को प्रेस करने से सेव विजार्ड जो है वो हमारा आ गया है। ये नोटपैड को जरा मैं नीचे कर दूँ, है ना, अब वापस मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ, है ना, तो ये सेव विजार्ड आ गया आपका। सेव विजार्ड जब आपका आ गया तो कहता है चूज लोकेशन वेयर वी वांट टू सेव द फाइल, देखिए अभी फिलहाल हमारा लोकेशन क्या है, तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं तो लाइब्रेरी और डॉक्यूमेंट्स है, तो ये हो सकता है बहुत सारे नए लोग हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट्स लोकेशन कहाँ पे है ये नहीं पता हो। देखिए कोई भी इसको इस तरीके से समझिए कि कोई भी चीज़ हम लोग बाज़ार से लाते हैं तो उसका एक प्रॉपर जगह होता है और उस जगह पर हम लोग रखते हैं तो इजी गोइंग मिल जाता है। जैसे राशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो उसे आप कहाँ डालेंगे, किचन में डालेंगे। अगर सॉप साबुन शैम्पू फेस वाश ऐसा कुछ आइटम आप लाते हैं तो उसे कहाँ डालेंगे, बाथरूम में डालेंगे, ताकि इजी टू उसे एक्सेस कर ले। या अननोन पर्सन भी, घर का नया आदमी, इवन हमारा कोई गेस्ट भी आता है हमारे यहाँ, तो यदि वो बाथरूम में जाएगा तो निश्चित रूप से उसे साबुन शैम्पू और फेस वाश वगैरह ईजिली उसे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है लोकेशन का बहुत ध्यान रखना होता है। तो बहुत नए लोग होंगे जिन्हें ये लाइब्रेरी और डॉक्यूमेंट्स लोकेशन नहीं पता होगा, तो सबसे पहले कैसे लोकेशन चूज करते हैं उसको देखते हैं। देखिए सबसे जो इजी लोकेशन होता है वो होता है डेस्कटॉप, तो हम अब फिलहाल अभी डेस्कटॉप को चूज कर लेते हैं, ये हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लोकेशन हमने चूज कर लिया डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप कहाँ होता है चलिए मैं अभी दिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाद कहता है इंटर फाइल नेम, तो चलिए फाइल नेम में मैं डाल देता हूँ नेम करके डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एंड क्लिक ऑन सेव बटन, तो सेव बटन पे चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, यानी कि ये अब सेव हो गया है। ठीक है, तो सेव हो गया है, तो देख लेते हैं डेस्कटॉप लोकेशन कौन सा है। तो देखिए जब भी आपका कंप्यूटर ओपन होता है, कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं और जो इंटरफेस हमारे सामने होता है यानी जिस पे अभी हमारा माउस ड्रैग हो रहा है, दिस लोकेशन इज नोन एज डेस्कटॉप। तो इस पे नेम नाम का हमारा फाइल हमने सेव किया है, नोटपैड का फाइल, तो हमें देखना है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे है, लेकिन बहुत लोग हैं जिन्हें खोजने में परेशानी होती है या बहुत सारा फाइल है, तो किसी पे भी आप क्लिक कर दीजिए। और आप किसी पे भी क्लिक करने के बाद आप क्या कीजिए, किसी भी फाइल पे क्लिक कर दीजिए, एक बार क्लिक कर दीजिए और एन को प्रेस कीजिए, तो देखिए एन वाला जो भी होगा, देखिए अभी NSS वाला जो है ये हाईलाइटेड हो गया है, या देखिए नोटिस वाला हाईलाइटेड, ये देखिए नेम वाला मिल गया। तो इस तरीके से ईजिली आप लोकेट कर सकते हैं कि आपका फाइल कहाँ पर है। ठीक है, तो ये यही हमने सेव किया था, चलिए मैं इसे वापस क्लोज कर देता हूँ। अब दूसरा चीज़ क्या कहता है कि थ्रू माउस, माउस से कैसे सेव करेंगे, तो देखिए माउस से सेव करने के लिए चलिए मैं वापस उसी को खोल दूँ जो नोटपैड मैंने बनाया था, और यहाँ आ जाइए फिर से, और फिर से मैं इसको यहाँ ला देता हूँ।
यदि हमें माउस से सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे, तो कहता है अंडर नोट पैड क्लिक ऑन फाइल मेन्यू बार, तो ये रहा हमारा फाइल, तो इस मेन्यू बार को क्लिक करना है। उसके बाद क्या कहता है, अंडर फाइल मेन्यू बार लोकेट सेव ऑप्शन एंड क्लिक ऑन इट, तो लोकेट कर लिया सेव और इस पर क्लिक कर देना है ना। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो सेव एज विजार्ड ओपन हो जाएगा और बाकी सब वही प्रोसेस है, सेव एज विजार्ड ओपन, चूज लोकेशन, इंटर फाइल नेम एंड क्लिक ऑन सेव बटन। यानी कि ये जो लास्ट के चार स्टेप्स है वो सेम टू सेम है माउस से भी और कीबोर्ड से भी, ठीक है। तो यहाँ से जैसे देखिए अभी फिलहाल मैं सेव पे करूँगा तो ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसको पहले से ही लोकेशन मिल रखा है, इसे अब नया लोकेशन देने के लिए हमें सेव एज में जाना होगा, ठीक है, अगर नया लोकेशन हम कुछ देना चाहते हैं इसको। तो ये नया लोकेशन हमें देना नहीं है, फिलहाल हम क्या करते हैं दूसरा एक नोट पैड ओपन कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। तो यहाँ देखिए अभी सेव का पर क्लिक करेंगे तो सेव एज विजार्ड ओपन हो गया और ये डेस्कटॉप लोकेशन पहले से चूजे है तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नोट पैड से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है या जो हमने बताने का प्रयास किया आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ, आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसी के साथ जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपके सामने प्रेजेंट होता रहूँगा।